अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का व्लॉग जनाब रेलवे स्टेशन रावलपिंडी, और ये एक इंजन आ चुका है, आपको दिखाते हैं। ये भाई ने इंजन जोड़ दिया है और अभी ये चल पड़ी है। बहुत ज्यादा धुआं और आग निकली है यहाँ से। आप जब भी रेलवे का सफ़र करें, चार्जर और पावर बैंक अपने साथ लाजमी रखें, क्योंकि कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। स्पेशली ये शॉप्स वाले, इनको अलाउ नहीं है कि आपकी कोई भी मोबाइल चार्जिंग पे लगा सकें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। उसके बाद नंबर दो आ जाता है जनाब पानी अपने साथ। बेशक आप एक बंदा हैं, दो हैं, पूरी फैमिली है, पानी साथ लाजमी रखें। और रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं और ये सूरत हाल है जनाब। और आपका भाई आपके लिए एक छोटा सा मिनी व्लॉग बनाने के लिए यहाँ आया है जी। आप सब बताएं कि ट्रेन में कब सफ़र किया था और कैसा लगा आपको सफ़र ट्रेन का। एक और चीज़ का आपके इलम में इजाफा करता चलूँ कि यहाँ पे अंदर जो भी चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी महंगी मिलती हैं, तो बेहतर यही है कि अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो आप चीज़ें ख़रीद कर लाएं सफ़र के दौरान, और घर की पकी हुई चीज़ें लेके आएँ जैसे खाना वगैरह, क्योंकि बाहर की कोई भी चीज़ मिलती है तो उनका इतना जायका नहीं होता, और नंबर दो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और फ्रेश भी नहीं होती। क्योंकि मैं भी काफ़ी दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ ट्रेन का, और अक्सर ये मसले मसाइल रहते हैं। और ये हमारे जो इंजन के ड्राइवर हैं, इन्होंने इंजन अभी स्टार्ट किया हुआ है और अभी थोड़ी देर तक चलना शुरू कर देंगे यहाँ से। ये भाई बैठे हैं प्लेटफार्म नंबर 4। ये तीन है जनाब, 4 दूसरी तरफ है, 4। हमें वो ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना होगा। चलते हैं दूसरी साइड पे। ये जो लाइटें आपको नज़र आ रही हैं, ये छोटा सा ब्रिज है, इसे क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आ रही है जनाब तेज़गाम। और ये हमारे जनाब ट्रेन के ड्राइवर भाई। ये जी ब्रिज के ऊपर चढ़ गए हैं और प्लेटफार्म नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। आवाम वहाँ से आ रही है। यहाँ पे लाइट का ये है कि प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है ब्रिज के ऊपर, पर फिर भी आपको रोशनी नज़र आ रही होगी। वो आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो आपको लाइट नज़र आ रही है, ये वाली लाइट, ये हमारी जनाब ट्रेन आ रही है। और हम चलते हैं, चल के खड़े होते हैं और अपने मुसाफरों को वेलकम करते हैं। ये भाई ने इतना ऊंचा कमरा क्यों बनाया कोई पता नहीं। रोकते हैं इसे वीडियो को फ़िलहाल। जनाब ट्रेन आ रही है और आ चुकी है तकरीबन, और बहुत खुशी होती है जब बंदे का स्टॉप आ जाता है। तकरीबन 24 घंटे का टाइम था गाड़ी का, और गाड़ी जनाब लेट है कराची से, ये तकरीबन ना भी करते 5 से 6 घंटे लेट है। और आवाम को जो खुशी मिलती है ना, वो ना पूछें आप। और ये जनाब एक चलनी शुरू हो गई है एक ट्रेन, और दूसरी ट्रेन आ रही है जी। ये चेक करें, अभी एरन भी मारती है। वो एरन हम बचपन में सुनते थे तो बड़ा दिल खुश हुआ करता था। वो नहीं बजा रही ना, उसने बजाया तो ना इसने बजाया। और ये जनाब थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा हमें, ये आप चेक करें, 562 4562 ट्रेन नंबर है जी। ये जी
हमारे मुसाफिर आ चुके हैं जी, हमें भी चलना पड़ेगा। और ये हमारे कूली भाई दिहाड़ लगाएंगे चंगी अच्छी खासी, चंगे पले महंगे हैं। इतने रिसीव करने के लिए नहीं आए जितनी हमारे कूली भाई खड़े हैं। कूली भाई वेलकम के लिए खड़े हुए। अच्छा वो दौर ही चला गया है जब रिश्तेदार लेने के लिए आया करते थे या कोई अपना लेने के लिए आया करता था। ये कूली भाई जनाब अंदर, और मैं भी जाके अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। और अभी हम जनाब यहाँ पे होल्ड करते हैं अपनी वीडियो को, ब्लॉग यहाँ रोकते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। आज का व्लॉग था जनाब इतना ही, छोटी सी व्लॉगी, और जनाब इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।